श्रीनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परिजनों के बीच मारपीट, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, सरकार के दावे पर उठे सवाल। कोरोना काल में जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकार किसी भी अस्पताल में दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी से साफ इनकार कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं। श्रीनगर के ही श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों के परिजनों के बीच मारपीट हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किसी भी अस्पताल में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद साफ हो जाता है कि अस्पतालों में अभी भी मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। साथ ही सिलेंडर वितरण और सुरक्षा का इंतजाम ना के बराबर है। अस्पताल प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई सफाई नहीं दी है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को 5170 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 263906 हो गई। वहीं 62 मरीजों की जान चले जाने के बाद मृतकों की संख्या 3465 हो गई। फिलहाल 49893 मरीजों का इलाज जारी है और 210547 मरीज ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी।